केकड़ी के समीप सरवाड़ उपखंड के खरवड़ गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को मौत के घाट उतारकर शव को जंगल में ले जाकर गहरी खदान में डाल देने का मामला पेश आया है। पुलिस ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद शव को आज बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर लोगों ने शव उठाया। जानकारी के अनुसार मृतक टोंक जिले के अरणिया गांव का रहने वाला जसराज बैरवा बताया जा रहा है, जो मुंडौती गांव से करीब 21 दिन पहले गुम हो गया था, जिसकी परिजनों ने अराई पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल पर पता चला कि जसराज की हत्या कर शव को खदान में फेंका गया है, जिसके बाद अराई एवं बोराड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरवर गांव के पास खदान में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पिछले 3 दिनों से सिविल डिफेंस में एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था, जिसको आज सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके चलते जसराज से कहासुनी और उसके बाद मारपीट होते हुए मामला हत्या तक पहुंच गया। हत्या के बाद दो आरोपी भाइयों ने शव को पत्थर बांधकर खदान में डाल दिया। शव को खदान से बाहर निकाले जाने के दौरान पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल, तहसीलदार हनुमान प्रसाद, थाना प्रभारी गुमान सिंह, बोराड़ा थाना प्रभारी नियाज मोहम्मद सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं सैकड़ों लोग मौजूद थे। फिलहाल इस संबंध में बोराड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रामजस बैरवा नाम के व्यक्ति हैं और इनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी अराई थाने में 10 तारीख को, और उसके बाद से अभी इन दिनों में इनका कोई सुराग था नहीं। अभी इनके बारे में कुछ सूचनाएँ मिली थी, उसके आधार पे आगे बढ़े तो इनकी अभी यहाँ पे डेड बॉडी पाई गई है। अभी खरवड़ गांव में जहाँ अभी हम इस स्थान पे खड़े हैं, तो पिछले 3 दिन से हम लोग प्रयासरत हैं। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और डेड बॉडी को निकलवा लिया गया। आगे पोस्टमार्टम की बात है, कुछ जो परिजन हैं और जो ग्रामीण लोग हैं इनकी जो मांग है इनके बारे में एसपी साहब अभी यहाँ मौके पर थे, पिछले 3-3.5 घंटे से यहीं पे थे, अभी गए तो इनकी मांगों पे सकारात्मक बातचीत हुई है और अब इसका पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।